दरिंदों, कुत्तों, सांपों और बैल यानी सारे मुख्तलिफ जो जानवर हैं उन सारों की हमनशीनी जो है वो नफ्स का धोखा है कि वो जैसे कहते हैं इंग्लिश में कि यू कैन नॉट कंपेयर यू नो ऑरेंजेस विद एप्पल्स, तो वो वाली बात है कि आप सारी चीजों को एक एक ग्रुप में नहीं डाल सकते। एक ये बात थी और दूसरा ये था कि कुव्वते फिक्र जो है, अब मुझे खुद नहीं याद कि मैंने क्या लिखा है लेकिन आप देख लीजिए अपना पॉइंट। हाँ, कुव्वते फिक्र जो है वो दो दो बातों के लिए है। इंसान की जो सोच है, इंसान की फिक्र की कुव्वत, वो दो चीजों के लिए है। एक तो उसको मुसीबतों से बचाने के लिए, दूसरा उसके फियर्स ऑफ द फ्यूचर कि क्या गलत हो सकता है, उससे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। और इन दोनों चीजों से इंसान अपने गोल्स की तरफ जाता है। तो गोल्स की अचीवमेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एक और बात थी कि बुरे लोगों की हमनशीनी जो है वो या बुरी सोच। अच्छा, आपने इस तरह के पॉइंट्स बातें तो उसमें इतनी ज्यादा हिकमत की भरी हुई है कि एक पूरा हलवा तैयार हो जाता मैं है। लिखती गई साथ साथ छोटे छोटे वर्ड्स लिखती गई। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया आपने जो इस तरह से लिखा है। मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी और पढ़ने में भी वो इतना मुश्किल है कि वो बात के अंदर बात, बात के अंदर बात, बात के अंदर बातें, कभी कभी तो समझ नहीं आती कौन बोल रहा है और कौन हाँ, किससे बात कर रहा है। उसका उसका तो स्टाइल यही है। देखते मैंने बस इस तरह से पढ़ा था कि मुझे उसका ओवरव्यू पता चल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो एक जालम हुदसर बादशाह है और एक आलम है उसकी सल्तनत में, उसके इलाके में रहने वाला जो उसको समझाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है वो आलम जो फलसफी हैं वो अच्छी बात ही करेंगे, लेकिन वो इस तरह से बात करेंगे कि उनको अपनी जान भी बच जाए और जो वो पैगाम देना चाहते हैं वो भी उन तक पहुंच जाए। तो उन्होंने तो कभी मिसालें दे के बात की, जैसे अपने शागिर्दों से मशवरा किया, उन्होंने सर ने कुछ कहा है क्या, नहीं अभी तक लिख रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने शागिर्दों से भी मशवरा किया कि हम इस तरह से करें। और उधर भी एक कहानी है छोटी सी कि एक चिड़िया का घोंसला होता है और उसको वो हाथी जो है रास्ते में उसको जाते हुए उसको तबाह कर देता है, बच्चों को भी मार देता है। फिर चिड़िया अपने छोटे हालांकि वो छोटी है, अकल में भी छोटी है, जिसामत में भी छोटी है, फिर भी उससे कैसे बदला लेती है। तो बताने की ये कोशिश की उन्होंने कि जिस्म जो है होता है वो इतना मैटर नहीं करता, आपको अकल इस्तेमाल करके आप कितने भी बड़े दुश्मन पे हावी हो सकते हैं। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें उन्होंने रेफरेंस और भी बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन ना बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा इस तरह की कोई कहानी पढ़ने का तजुर्बा भी नहीं है ना, आपको तजुर्बा भी हो ना कि दास्तान के अंदर दास्तान चल रही है तो थोड़ा सा वो आप सेट रहते हैं। मैं तो कितनी दफा भटक गई बीच में मुझे ऐसे तो ही कितनी दफा पता ही नहीं चला कि कहाँ की बात कहाँ जा रही है। है। अच्छा, तो अच्छा रेहान सर, साहब आ रहे हैं। अच्छा आपने और कौन सा पॉइंट लिखा है बताइए। मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन एक ये था और फिर उसके बाद था कि जो एनिमल एक्सेलेंस है, तबई और फितरी सलाहियतें जो हैं वो, अब ये उर्दू भी मुश्किल है तो, लेकिन मैंने जी अरबी जी वाले ही वर्ड्स कॉपी करने की कोशिश किया ताकि मेरा कनेक्शन डेवलप हो। जी नफा बख्श हो सकती हैं या तकलीफ से हो सकती हैं। किताब के माशाल्लाह से 8 तो मुकदमे हैं, हर एक साहब ने अपना मुकदमा लिखा हुआ है, जो समझ नहीं आ रहा कौन सा आई थिंक ये मुकदमा सबसे पहला वाला है जिन्होंने बेदवा जो लिखा हुआ है, जो बुजुर्ग थे उनका मुकदमा हमने पढ़ा है आज जो जी इस। वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ट्रांसलेटर साहब हैं उनका भी मुकदमा है, उनके दो तीन हैं जो फॉरवर्ड्स होते हैं। तो